नमस्कार, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हम अपने होम थिएटर के लेवल्स को सेट कर सकते हैं एक SPL मीटर का उपयोग करते हुए। SPL मीटर से लेवल्स को सेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसको सही तरह से करना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी बारीक से बारीक डिटेल्स को समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं बेहद जरूरी ध्यान में रखने वाली बातों को बीच बीच में बताता रहूंगा। SPL का फुल फॉर्म होता है साउंड प्रेशर लेवल, यानी कि ध्वनि के दबाव का स्तर। SPL मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम ध्वनि के दबाव के स्तर को माप सकते हैं। हमारे लोकल मार्केट में आजकल ये काफी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी SPL मीटर काफी आसानी से मिल जाता है। और यदि हम मोबाइल फोन से साउंड प्रेशर लेवल्स को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पे और अब हम यहाँ सर्च करेंगे SPL मीटर। SPL मीटर अब हमने ये सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस के नाम इस तरह से हैं कि साउंड लेवल मीटर, DB मीटर, साउंड मीटर, डेसिबल एक्स, साउंड मीटर, SPL मीटर, DB मीटर, नॉइज मीटर और तरह तरह के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो एप्लीकेशन मैं अपने मोबाइल फोन में उपयोग करने वाला हूँ उसका नाम है DB साउंड मीटर ये। लेकिन इन साउंड प्रेशर लेवल एप्लीकेशंस को हमारे मोबाइल के माइक्रोफोन पे निर्भर रहना पड़ता है। अब यदि हम अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अपने फोन के माइक्रोफोन वाले एरिया को साफ कर लेना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन से कवर को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश से हम अपने मोबाइल के नीचे की तरफ जितने भी ये छोटे छोटे से छेद दिख रहे हैं इन्हें साफ कर लेंगे। वैसे हम टूथब्रश का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि टूथब्रश हार्ड ना हो, केवल सॉफ्ट टूथब्रश का ही उपयोग करें। तो इस तरह साफ कर देने से हमारे मोबाइल के माइक्रोफोन तक बिना रुकावट साफ साफ ध्वनि पहुंच सकेगी। और वैसे भी हमें अपने मोबाइल फोन को थोड़े थोड़े दिनों में इस तरह से साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ही धूल वगैरह इन होल्स में जम जाती है, जिस वजह से फोन के स्पीकर से साफ साफ ध्वनि सुनाई नहीं देती और माइक्रोफोन से भी हमारी साफ ध्वनि दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई दे पाती। तो ये लीजिए, साफ हो गया हमारा फोन के माइक्रोफोन वाला एरिया। तो जैसा कि ये वीडियो हमारे होम थिएटर सिस्टम के लेवल्स को एक SPL मीटर का उपयोग करते हुए सेट करने के ऊपर है, तो यदि आप लोगों को विस्तार रूप से जानना है कि एक 5.1 होम थिएटर सिस्टम को किस तरह से सेटअप करते हैं या किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आप लोग मेरा ये वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें मैंने एक होम थिएटर को लगाने के बारे में विस्तार रूप से समझाया है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इस वीडियो को वहां जाके देख सकते हैं। वैसे तो आजकल नए AV रिसीवर्स के साथ एक माइक्रोफोन साथ में आता है जो कि ऑटोमेटिकली सारे स्पीकर्स के लेवल्स को सेट कर देता है, लेकिन बहुत से AV रिसीवर्स ऑटो कैलिब्रेशन के साथ नहीं आते हैं। जैसा कि मेरा ये यामाहा का AV रिसीवर, जिसका कि मॉडल नंबर है HTR2071, और फिर बहुत से लोग अपने होम थिएटर सिस्टम के लेवल्स को ऑटो ट्यून की बजाय मैन्युअली सेट करना पसंद करते हैं, या फिर हमें ये चेक करना हो कि हमारे AV रिसीवर ने जो ऑटो ट्यून किया है वो परफेक्ट है कि नहीं, तो तब भी हम इस SPL मीटर का उपयोग करते हुए लेवल्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या कोई मेहमान आए हुए हैं और उन लोगों ने हमारे AV रिसीवर के रिमोट से वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने की बजाय सेटिंग्स में जाके कुछ लेवल्स को छेड़छाड़ दिया, तो हमें थोड़े थोड़े दिनों में ये चेक करते रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो उस दशा में हमारे पास एक SPL मीटर का होना आवश्यक हो जाता है। तो अब मैं SPL मीटर के बारे में पहले विस्तार से ये बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम अपने AV रिसीवर के लेवल्स को एक SPL मीटर का उपयोग करते हुए किस तरह से सेट कर सकते हैं। SPL मीटर सिर्फ होम थिएटर के लेवल्स को सेट करने के उपयोग में नहीं आता है, इसको बनाया जाता है किसी भी प्रकार के साउंड नॉइज को मापने के लिए। तो जैसा कि साउंड तो किसी भी मशीनरी के चलने पे उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण के लिए कार या मोटरसाइकिल से निकलने वाली ध्वनि, या फिर घर में पंखे के चलने पे उत्पन्न होने वाली ध्वनि,
या फिर किसी बड़ी फैक्ट्री में लगी मशीनों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, तो अब इन सभी चीजों से निकलने वाली ध्वनि का कोई पैमाना निर्धारित होना चाहिए कि एक मनुष्य के सुनने की क्षमता से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न ना होए। तो वो पैमाना क्या होगा? मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि 85 डीबी से अधिक ध्वनि उत्पन्न होने से एक मनुष्य को बहरेपन होने की शिकायत हो सकती है, और इसीलिए नॉइज पॉल्यूशन रूल्स बनाए जाते हैं कि किस तरह के एरिया में कितना नॉइज लेवल होना चाहिए। उदाहरण के लिए रेसिडेंशियल एरिया या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, तो उन सभी एरियाज के नॉइज लेवल को मापने के लिए भी एक SPL मीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम स्पीकर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के लेवल्स को मापने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ पैमाने निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेफरेंस साउंड लेवल्स। अब मैं ये बताता हूँ कि ये रेफरेंस साउंड लेवल्स क्या होते हैं। तो जो साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के गानों और फिल्मों की साउंड मिक्सिंग की जाती है, वहाँ साउंड के लेवल्स को सेट करने के लिए जो रेफरेंस होता है वो होता है 85 डीबी। और एक होम थिएटर के लेवल्स को मापने के लिए जो रेफरेंस लेवल निर्धारित किया गया है वो है 75 डीबी। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि जब साउंड मिक्सिंग ही 85 डीबी पे की गई है, तो फिर हम अपने होम थिएटर सिस्टम को 75 डीबी पे क्यों रखें? तो हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं 85 डीबी पे अपने सभी लेवल्स को सेट, लेकिन 85 डीबी बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, इसीलिए 75 डीबी रिकमेंडेड है एक होम थिएटर के लेवल्स को सेट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि ये डीबी क्या होता है और ये SPL मीटर किस तरह से काम करता है। तो अब जैसा कि मेरे पास ये एक SPL मीटर है, तो इसमें दिए गए हैं कुछ बटन्स और एक LCD स्क्रीन जिसपे कि हम देख सकते हैं घटती या बढ़ती डिजिट्स को। इन डिजिट्स का मतलब ये है कि SPL मीटर के माइक्रोफोन तक आने वाली ध्वनि के दबाव को हम कम या ज्यादा होता देख रहे हैं। तो अब पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो डिजिट्स हैं, इन्हें ही डीबी कहा जाता है, यानी कि डेसिबल, और डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो अब इनमें A, B या C वेटिंग भी होती है। एक एडवांस SPL मीटर में हमें वेटिंग चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि A या C के बीच होता है। बहुत से और भी ज्यादा एडवांस SPL मीटर आते हैं जिनमें कि हम A, B, C के बीच चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा एडवांस SPL मीटर होगा उसकी कीमत पे भी उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। अब जैसा कि मेरे पास जो ये SPL मीटर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं A या C वेटिंग के बीच चुनाव कर सकूं। ये बाय डिफॉल्ट ही ए वेटिंग के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन यदि हमारे पास एक ऐसा SPL मीटर हो जिसमें कि हम A, B या C के बीच चुनाव कर सकते हैं, तो फिर तब उस अवस्था में हमको सी वेटिंग का चुनाव करना चाहिए। तो अब हमारे मन में एक और सवाल आता है कि A, B क्यों नहीं, सी ही क्यों? तो सी वेटिंग इसलिए क्योंकि A और B वेटिंग में लो और हाई फ्रीक्वेंसीज फिल्टर हो जाती हैं। इस SPL मीटर के साथ हमें विंड नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक विंड स्क्रीन भी मिलती है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम निकाल देते हैं। ये लीजिए, निकाल दिया मैंने इसको। अब आ जाते हैं इस SPL मीटर्स के बटन्स पे। तो ये है पावर ऑन या ऑफ करने के लिए बटन। ये देखिए, ये हो गई पावर ऑफ और अब ये हो गई पावर ऑन। अब इसके बगल में जो ये बटन है जिसपे लिखा है स्लो फास्ट, तो इस बटन को दबाने से हमें समय की प्रतिक्रिया को धीमे या तेज करने का विकल्प मिलता है। यहाँ हम इसको स्लो पे रखेंगे। स्लो पे रखने से हमें एक स्थिर अवस्था में मीटर की रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं मैक्स मिन बटन पे। इस बटन का मतलब हुआ कि मैक्सिमम या मिनिमम डीबी। तो जब हम मैक्सिमम पे रखेंगे तो जो साउंड की मैक्सिमम डीबी रीडिंग्स होंगी हमें सिर्फ वो देखने को मिलेंगी, और जब मिनिमम पे रखेंगे तब हमें साउंड की जो मिनिमम रीडिंग्स होंगी वो देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं इस होल्ड बटन पे। इस होल्ड बटन को दबाने पे जो भी रीडिंग आ रही होंगी वो होल्ड हो जाएगी और हम उसको देख सकेंगे। और इस होल्ड बटन को कुछ देर तक दबाए रखने पे इस SPL मीटर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखिए, लाइट्स ऑन हो गई। आगे की तरफ LCD स्क्रीन की बैकलाइट ऑन हो गई है और पीछे की तरफ टॉर्च ऑन हो गई है। तो अब ये SPL मीटर हो गया है रेडी हमारे होम थिएटर के लेवल्स को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हमें SPL मीटर को उस जगह रखना होगा
जिस जगह से हम खुद बैठ के अपने सराउंड साउंड सिस्टम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने वाले हैं। SPL मीटर के माइक्रोफोन को हमको छत की दिशा में लगाना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर सराउंड साउंड सिस्टम एक बेडरूम में लगाया गया है, तो अब मैं इस SPL मीटर को बेड पे वहां रखूंगा जहां से बैठ के सराउंड साउंड का आनंद हम लेना चाहेंगे। तो उसके लिए पहले तो हमें वहां खुद बैठ जाना होगा और फिर जितनी ऊंचाई पे हमारे कान आएंगे उतनी ऊंचाई पे हमारे SPL मीटर का माइक्रोफोन आ जाना चाहिए। तो अब जैसा कि हमने नाप लिया है कि बेड पे बैठने के बाद हमारे कान की ऊंचाई लगभग 24 इंच है, और यदि लेट के सराउंड साउंड का आनंद लेना हो तो उस अवस्था में हमारे कान की ऊंचाई लगभग 14 इंच है। अब हम इन दोनों के बीच की ऊंचाई का एवरेज निकाल लेंगे जो कि होगी लगभग 19 इंच। अब मैं इस SPL मीटर को 19 इंच की ऊंचाई पे लगा दूंगा। SPL मीटर को लगाने के लिए सबसे सही तरीका होता है कि हम एक ट्राइपॉड का उपयोग करें, लेकिन हम सभी के पास ट्राइपॉड हो ये जरूरी नहीं। तो इसलिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी भी तरह से इस SPL मीटर के माइक को उतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें जितनी ऊंचाई पे हमारे बैठ के सुनने की जगह पे हमारे कान आते हों। और यहाँ वो ऊंचाई है 19 इंच, तो मैंने बेड पे ये जुगाड़ करके SPL मीटर के माइक को 19 इंच की ऊंचाई पे लगा दिया है। यदि हम SPL मीटर के बजाय अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे फोन का जो माइक्रोफोन वाला एरिया है वो छत की तरफ हो। तो उसके लिए हम अपने फोन को उल्टा इस तरह से रखेंगे। तो अब जैसा कि हमने अपने SPL मीटर को सही जगह पे लगा दिया है, तो अब हमें देखना होगा कि इस SPL मीटर से लेके हमारे स्पीकर्स के बीच में कोई भी बाधा ना हो, जिससे कि स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि सीधी इस माइक्रोफोन तक पहुंच सके। और साथ ही हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे होम थिएटर रूम में कहीं से कोई भी शोर ना आ रहा हो। जैसा कि यदि हमारा एयर कंडीशनर चल रहा हो या पंखा चल रहा हो तो उसको बंद कर दें। वॉशिंग मशीन या मिक्सी ना चल रही हो, या ऐसी कोई भी चीज जो चल रही हो घर में जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती हो, उस चीज को हमें बंद कर देना होगा। अब मुझे इस SPL मीटर की स्क्रीन को उस तरफ कर देना होगा जिस तरफ मैं खड़ा रह के AV रिसीवर के रिमोट से लेवल्स को सेट करूंगा, और वो इसलिए कि मैं वहां से इस SPL मीटर की स्क्रीन पे होने वाली गतिविधियों को देख सकूं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो अब जब हमारे स्पीकर से हमारे SPL मीटर के बीच कोई बाधा नहीं होगी तो हम करेंगे अपने होम थिएटर के लेवल्स को सेट। तो सबसे पहले तो हम अपने AV रिसीवर का वॉल्यूम कर देंगे 0 पे। फिर उसके बाद हमें अपने AV रिसीवर के सेटअप पेज पे जाना होगा। उसके बाद हम जाएंगे स्पीकर मेन्यू में, फिर उसके बाद जाएंगे लेवल मेन्यू में। लेवल मेन्यू के अंदर जाने के बाद हर एक स्पीकर के लेवल को हम कर देंगे 0 पे, और यदि पहले से ही हर एक स्पीकर का लेवल 0 पे है तो हम उन्हें 0 पे ही छोड़ देंगे। अब वापस बाहर आ जाते हैं स्पीकर मेन्यू में, और अब हम जाएंगे टेस्ट टोन पे। टेस्ट टोन को हम ऑन कर देंगे। अब वापस बाहर आ जाते हैं स्पीकर वाले मेन्यू पेज पे। अब वापस जाएंगे लेवल्स पे। तो जैसे ही हम लेवल्स के अंदर जाएंगे तो हमको एक पिंक नॉइस की आवाज सुनाई देने लगेगी, और फिर हमें अपने SPL मीटर पे रीडिंग्स को देखते रहना होगा। यदि टेस्ट टोन के चलने के बाद SPL मीटर पे 75 dB से अधिक रीडिंग दर्शा रहा होगा तो हम अपने स्पीकर के लेवल को घटा देंगे, और यदि 75 dB से कम दर्शा रहा होगा तो हम अपने लेवल को बढ़ा देंगे। और जब तक हमें 75 dB की रीडिंग नहीं मिल जाती तब तक आवश्यकता अनुसार लेवल्स को घटाते या बढ़ाते रहना होगा, और ऐसा हमको अपने हर एक स्पीकर के लिए करना होगा। तो चलते हैं लेवल्स के अंदर और एक एक करके हम सभी स्पीकर्स का लेवल सेट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लेवल्स को सेट किया जाता है। तो यहाँ जो लेवल्स के डीबी कम या ज्यादा होते दिखाई दे रहे हैं वो इस कमरे में लगे स्पीकर्स के हिसाब से हैं। जब आप लोग अपने कमरे में इस तरह से लेवल्स को सेट करेंगे तो वहाँ आपके स्पीकर्स के हिसाब से लेवल सेट होंगे।
अब जैसा कि सभी स्पीकर्स का लेवल सेट हो गया है लगभग 75 डीबी पे, तो अब हम बाहर आ जाते हैं सभी मेन्यूज से। यदि हमको बेस अधिक पसंद है तो हम सबवूफर के लेवल्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि 75 डीबी से लेके 85 डीबी के बीच ही लेवल्स को हम अपना सेट करें। तो ये तो हो गया एक होम थिएटर को SPL मीटर से सेट करने के बारे में। यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो कृपया करके उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और यदि आप लोगों को ऑडियो या वीडियो से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी लिख दीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।